नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज़ प्लस 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डोंगरगढ़ में कांग्रेस महिला मोर्चा ने योगी आदित्यनाथ का किया पुतला दहन। हाथरस की पीड़िता के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किए अन्याय के विरोध में जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक में राज्यसभा सांसद एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम एवं जिला अध्यक्ष रामचंद्र चंद्रवंशी के आदेश अनुसार किरण देवरकर के नेतृत्व में कांग्रेस महिला मोर्चा ने आज डोंगरगढ़ बीच शहर गोल बाजार में योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। कांग्रेस महिला मोर्चा ने योगी आदित्यनाथ के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर किरण देवरकर महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ की घोर निंदा करते हुए मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की। मौके पर भुवनेश्वर बघेल, विधायक डोंगरगढ़ एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण उपस्थित थे। साथ ही किरण मेश्राम, ममता शिंदे, रेखा खोबरागड़े, जतिन खान, रिम्मी भाटिया, हरीश भंडारी, अनिल मेश्राम, संध्या देशपांडे, नलिनी मेश्राम, जितेंद्र सिंह भाटिया, ललिता साकरे आदि उपस्थित थे। आज हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी हाथरस जो हत्याकांड हुआ है योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत, वहाँ पे इतने घिनौने तरीके से बहन का बलात्कार किया गया और मानवता का विध्वंस किया गया, उसके तहत आज लड़ाया गया और उस बलात्कारियों को देना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे हम इसका योगी सरकार का विरोध करते हैं और वो सरकार ने भी इस्तीफा देना चाहिए जब तक के तो बलात्कारियों को फांसी नहीं।